मैं संतोष चंद्रकांत कुलकर्णी, मेरा गांव है नरसिंहपुर, जो कि महाराष्ट्र में सांगली जिले में तालुका प्लेस है वाळवा। इस गांव से मैं बोल रहा हूँ। अभी ये आप देख रहे हैं गन्ने का, ये मैंने 3 साल के बाद इस क्षेत्र में ये गन्ने का पिक लगाया है। 3 साल के बाद क्यों? तो 2019 में जो महापूर आया था, उस समय एक क्षेत्र में पूरा पानी भर गया था। ऊपर तक सड़क है, उस सड़क तक इधर का पानी था। 20 में भी वही प्रकार था, तो 2020 को भी इधर इस क्षेत्र में पानी भर गया था। तो दोनों साल भी मेरा नुकसान ही हो गया था, सोयाबीन का पिक था। तो बाद में मैंने कुछ किया ही नहीं। क्यों? जो कर रहे हैं वो भी हाथ में नहीं लगता। तो फिर अभी 2023 फरवरी में मैंने एक क्षेत्र में ये गन्ने का गन्ना लगाया, और शुरू उसका जो नर्सरी बोलते हैं हम, वो नर्सरी लगाई। दो नर्सरी में 2 फीट अंतर रखा, और जो उसको कुछ अभी दिया नहीं था मैंने, कोई रासायनिक के या कोई शुरू में। तो उसी दरम्यान मेरी बातचीत स्वप्निल शाह साहब से हो गई। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा एक प्रोडक्ट है, उसका आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपको उसका रिजल्ट आया तो मुझे बताइए। तो मैं बोला ठीक है, क्या है, कौन सा है? तो बोले कि वो एनांसर उसका नाम है, जो हिंदी में हम उन्होंने वो बोले गाढ़ा गोमूत्र, जो वो तैयार किया डॉक्टर किशन चंद्रा जी ने। तो उन्होंने बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे करने का है, क्या है। तो उस समय मैंने उन्होंने जो जो जिस तरीके से बताया, उस तरीके से मैंने उसका उपयोग किया। तो बताना चाहता हूँ मैं कि पहली बार मैंने इसको स्प्रेइंग किया, इस गन्ने को तो लगाया था। तो उस टाइम इस गन्ने छोटा था, तभी इधर घूमने वाले जानवर थे, तो गाय थी, तो उन्होंने वो सब फस्त किया था, खाके पूरा फस्त किया था। तो मेरे को थोड़ा टेंशन आ गया था, अब क्या करने का है। छोटा छोटा गन्ना था, तो उसका मैंने फोटो निकाल के शाह साहब को भेज दिया, और उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसी अभी परिस्थिति है, तो क्या करेंगे। तो बोले कुछ टेंशन मत लीजिए, जो मैं बताता हूँ वो कीजिए। तो उन्होंने मेरे को एनांसर भेज दिया, कैसा इस्तेमाल करने का है, वो सब मुझे बता दिया। और मैंने पहला ही स्प्रेइंग इसको ले लिया, तो मुझे उसका रिजल्ट 8 से 10 दिन में ही इसका रिजल्ट एनांसर का दिखने लगा, कि नीचे आने वाले गन्ने के कोंब है। तो वो इतने जल्दी फटाफट निकल गए, तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट में कुछ दम है। तो मैंने वो उसके बाद मैंने थोड़े गन्ना जो खाया खाया था गौवे ने, तो उसके बाद मैंने वो निकाल, दूसरी बार मैंने फोटो निकाला स्प्रेइंग होने के बाद, और शाह साहब को भेज दिया, और उन्हें बताया कि साहब ये पहला पहला था जो मैंने आपको फोटो दिखाया था, और उसके स्प्रेइंग के बाद ये ऐसा ऐसा हो गया रिजल्ट।
तो मैं बोला कि अरे अच्छा है प्रोडक्ट, उसमें कुछ ज़्यादा रखने की बात नहीं है, क्योंकि हमें रिज़ल्ट चाहिए था। तो रिज़ल्ट तो दिख गया। तो उन्होंने बोला कि उन्हें मैंने पूछा इसकी पक्की भरनी करनी है तो इसको डोज कैसा कैसा देने का, क्या क्या रासायनिक, तो बोले कि, और उन्होंने मुझे बताया कि इस 2 एकड़ क्षेत्र में खाली मैंने 12 गोनिया रासायनिक खत और जो कोमड़ी खत बोलते हैं उसको साथ में सपोर्ट दिया कोमड़ी खत का, और खाली 12 गोनिया 2 एकड़ के लिए मैंने डाल दी। वो भी डालने से पहले मैंने क्या किया कि इसकी भट्टी लगा दी। भट्टिया ने सब रासायनिक जो खत होता है वो मैंने एक जगह किया, और उस पर भी मैंने एनांसर यानी गाढ़ा गोमूत्र पूरा 2 बॉटल रिंग पद्धत करके उसको डाल दिया, और वो रासायनिक खाद पूरी तरह से अच्छी तरह से मिलाया, और उसको 3 दिन मैंने दड़प के पूरा हवा नहीं लगने का ऐसी तरह ढक के 3 दिन तक रखा, और 3 दिन के बाद वो मैंने डाल दिया, और बाद में पक्की भरनी करके उसको बाद में फिर से एक बार पानी छोड़ दिया, और पानी छोड़ देने के बाद तुरंत ही मैंने दूसरा स्प्रेइंग गाढ़ा गोमूत्र का लिया। तो दूसरा स्प्रेइंग लेने अभी 10-12 दिन ही हो गए हैं इसकी स्प्रेइंग करने के, तो अभी उसका रिजल्ट भी अच्छा आ गया कि इसका साइज नीचे नीचे वाले फुटवे भी है, पानों का कलर है, साइज है, वो इतना वो 2 स्प्रेइंग में मुझे नहीं लगता था ये 2 स्प्रेइंग में ही इतना बढ़ जाएगा। तो मेरे को लगा क्या है, प्रोडक्ट है अच्छा है, इसमें दम है। तो अभी इसके बाद हम दूसरा कौन सा भी पिक करेंगे तो उसको भी अभी मैंने ध्यान में लिया है कि एनांसर का ही उपयोग करेंगे। इस क्षेत्र को मैंने किशन चंद्रा जी ने जो तैयार किया था OWDC, वो भी मैंने पाट पानी के साथ ही इसको 2 बार छोड़ दिया है तैयार करके, और उसका रिजल्ट भी मेरे को आ गया है। और मैं बताना सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर किशन चंद्रा जी का बनाया हुआ OWDC और गाढ़ा गोमूत्र यानी एनांसर आप सब इस्तेमाल कर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैसा रिजल्ट आता है, आपको ज़्यादा उत्पादन मिलना चाहिए, वो सब उत्पादन आपको ये गाढ़ा गोमूत्र और OWDC आप इस्तेमाल कीजिए और उससे निकालिए।